Hello students, in this video I, Abhay Kumar, going to discuss a very important topic, which is RC oscillator or phase shift oscillator in solid state electronics for BSc part 3 physics honors and physics general courses for all universities in lecture number 12. First of all, what is an oscillator? An oscillator produces oscillations of any desired frequency, and it produces its own input without any input सोर्स. ओसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल ओसिलेशंस प्रोड्यूस करता है किसी भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का, और यह अपना इनपुट इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है, खुद प्रोड्यूस करता है, बाहर से कोई इनपुट सोर्स की जरूरत नहीं होती. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आरसी ओसिलेटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेज शिफ्ट ओसिलेटर. आरसी ओसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. हेयर इज द सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड हेयर, and emitter is connected to a resistor which is RE, that is emitter resistor, and a capacitor, that is emitter capacitor C, is connected in parallel to the emitter resistor RE. While the collector of this transistor is connected to a resistor collector, which is RC collector resistor, and it is connected to the collector supply voltage VCC. A base resistor is also provided in this circuit parallel to the collector resistor RC. RC oscillator also consists of a phase shift network consisting of three sets of three sections, R1, C1 resistor, first resistor R1 and a capacitor C1, second section another RC section which is R2 C2 resistor of resistance R2 and capacitor C2, and third RC section R3 C3. When the supply collector supply voltage VCC is switched on, it produces oscillations due to variation in base current which flows in the base section of the transistor. So due to variation in base current, oscillations are produced when the collector supply voltage VCC is switched on. Due to variation in base current, and this variation in base current is amplified by the transistor, and transistor in the collector circuit, and
then fed back to the RC network, because in an oscillator feedback circuit is also used, which sends some portion of output to the input for the oscillations, because an oscillator produces its own input without any external input source. जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओसिलेटर अपना इनपुट खुद प्रोड्यूस करता है, और वह इस ढंग से कि आउटपुट का जो पोर्शन है, मतलब आउटपुट में जो जैसे कलेक्टर वोल्टेज VCC को स्विच ऑन करने पर बेस करंट में वेरिएशन होता है, जिसके कारण ओसिलेशंस प्रोड्यूस होता है कलेक्टर सर्किट में और कलेक्टर सेक्शन में, और उसे जो कि एम्प्लीफाइड किया जाता है ट्रांजिस्टर के द्वारा, और देन फीडबैक टू द आरसी नेटवर्क, और उसे आरसी नेटवर्क में फीडबैक किया जाता है, जिससे कि इनपुट सप्लाई हो सके इस सर्किट को, आरसी सेक्शन को. तो इस प्रकार ईच आरसी सेक्शन के द्वारा एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 60 डिग्री का फेज चेंज ऑब्टेन होता है. तो थ्री आरसी सेक्शंस हैं, आरसी एलसी ये थ्री आरसी सेक्शंस सेक्शन हैं, थ्री आरसी सेक्शंस हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में. तो चूंकि ईच सेक्शन के द्वारा 60 डिग्री का फेज चेंज होता है, फेज चेंज का मतलब है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज एंगल में चेंज, तो ईच सेक्शन के द्वारा 60 डिग्री का फेज चेंज होता है. तो थ्री सेक्शंस हैं, तो टोटल कितना, थ्री आरसी सेक्शंस हैं, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का थ्री सेक्शंस है, R1C1, R2 सेक्शन C2 एंड R3C3 आरसी ओसिलेटर में, इसलिए इसका नाम आरसी ओसिलेटर है. और चूंकि आरसी सेक्शन के द्वारा ही फेज में चेंज होता है, चेंज इन फेज होता है, तो इसलिए इसका नाम आरसी फेज शिफ्ट आरसी ओसिलेटर को आरसी ओसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. तो ईच आरसी सेक्शन के द्वारा फेज चेंज कितना होगा, जो आउटपुट का मतलब आउटपुट जो वोल्टेज है वह इनपुट में फीडबैक होता है, तो ईच आरसी सेक्शन के द्वारा 60 डिग्री का फेज चेंज होगा. तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, थ्री आरसी सेक्शन है, टोटल फेज चेंज इज 180 डिग्री. सो टोटल फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री 60 डिग्री फेज चेंज ऑफ 60 डिग्री बाय ईच आरसी सेक्शन टोटल ऑफ टोटल फेज नेट फेज चेंज इज 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेज. आउटपुट से जो वोल्टेज इनपुट आएगा तो 180 डिग्री का चेंज कर देगा, चेंज होगा आरसी थ्री सेक्शंस के थ्री आरसी सेक्शंस के द्वारा. इस प्रकार टोटल 180 डिग्री का फेज चेंज होगा इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेज के बीच में, और फिर फर्दर 180 डिग्री का फेज चेंज करेगा कौन, ट्रांजिस्टर. तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का फेज चेंज, नेट फेज चेंज होगा कुल 360 डिग्री का. फाइनली सिंस नेक्स्ट फेज ऑफ 180 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड बाय नेक्स्ट फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. सो टोटल फेज चेंज 180 डिग्री बाई थ्री आरसी सेक्शंस आरसी नेटवर्क्स आरसी नेटवर्क एंड 180 डिग्री फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री बाई द ट्रांजिस्टर. दिस इज द एक्शन ऑफ आरसी ओसिलेटर. नाउ एक्सप्रेशन फॉर frequency of oscillations in RC oscillator. We have discussed earlier in the operation or working of
RC oscillator, that there is a net or total phase change of 360 degree in RC oscillator by RC sections and the transistor amplifier between input and output voltages, which is the condition, which is the essential condition for the oscillations in RC oscillator. हमने RC oscillator के operation working में देखा कि RC oscillator में input तथा output voltages के बीच total phase change 360 degree का होता है, और यह necessary condition है जब oscillations प्रोड्यूस होगा आरसी ओसिलेटर में। तो आरसी ओसिलेटर में ओसिलेशन प्रोड्यूस होने के लिए इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच टोटल फेज चेंज 360 डिग्री का होना जरूरी है। अब जब आरसी ओसिलेटर में जब ओसिलेशंस प्रोड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशंस के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस पर सेकेंड के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, जो कि बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तथा फिजिक्स जनरल यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस के फिजिक्स पेपर्स में डिराइव करने के लिए भी पूछा जाता है। To derive the frequency of oscillations in RC oscillator, let I1 is the signal current. I1 is the signal current which is fed back from the collector of the output section, collector of the amplifier which is connected in the output section. So let I1 is the signal current from the collector circuit and I4 is the current in the current to the base circuit. Because third RC section is connected to the base of the transistor amplifier, which we have already seen in figure 1. So let I1 is the signal current from the collector circuit, which is shown here in this figure, in figure number 2. Let I2 is the current in the first loop, I3 in second loop, and I4 in fourth loop. Then current I1 is divided in the in first loop, in first RC section. Let I2 be the current. Let current I1 at this point, at this junction, is divided into two parts. Let I2 be the current passing through the capacitor and remaining current I1 minus I2 will pass through this resistor, that is resistor number 1, resistance R1. Normally frequency determining capacitors C1, C2, C3 and resistors R1, R2 and R3 are of equal values. That means C1 is equal to C2 is equal to C3. Let it C, and R1 is equal to R2 is equal to R3. Three resistors and three capacitors, three RC section ka. So three resistors ka value सेम होता है, इक्वल होता है, और तीनों कैपेसिटर्स का, ऑल थ्री कैपेसिटर्स का वैल्यू भी सेम होता है। सो वी कैन राइट
C1, let C1 is equal to C3, C2 is equal to C3, is equal to C7, and R1 is equal to R2, is equal to R3, is equal to R6. All three resistors का value same है, जो कि suppose किया गया R, और three capacitors का value भी normally same होता है, तो उसे C suppose किया गया, C1 is equal to C2, is equal to C3, is equal to C. तो इस पॉइंट पर फर्स्ट लूप में मतलब जो फर्स्ट आरसी नेट फर्स्ट आरसी सेक्शन है तो उसमें इस जंक्शन पर यहाँ से करंट कलेक्टर सर्किट से जो करंट है इनपुट सेक्शन में वह I1 है. तो I1 का एक पार्ट कैपेसिटर में पास करेगा, कैपेसिटर में डिवाइड होगा, माने कैपेसिटर में से पास करेगा और दूसरा पार्ट चला जाएगा रजिस्टर में. सेकेंड पार्ट ऑफ करंट रिमेनिंग पार्ट इज I1 माइनस I2 विल पास थ्रू दिस रजिस्टर R. नाउ करंट इन द फर्स्ट लूप इज I2 एंड पाथ ऑफ द रजिस्टर्स आर ऑल्सो शोन इन द डायग्राम which is clockwise in each section. Now suppose current is further divided in the second resistor R2, which is also equal to R, which is also taken as R, as let current I2 in first loop is divided into two parts. One part suppose I3, because we have taken current I3 in the loop number 2. So I3 flows through the capacitor in the capacitor section, and remaining current, कौन सा current में से I3 current गया है capacitor C2 में, जिसका value C है, हमने suppose किया है. All capacitors are equal, so C1 is equal to C2 is equal to C3. तो remaining part current का कितना होगा, I2 minus I3 इस resistor से pass करेगा सेकेंड रजिस्टर जो कि R2, इसका वैल्यू भी R ही सपोज किया गया है, I2 माइनस I3. नाउ लेट I4 बी द करंट इन लूप नंबर 3, दैट इज इन थर्ड RC सेक्शन. तो लेट और यहाँ तक करंट कितना है, I2 है सेकेंड कैपेसिटर से होकर के. अब यहाँ पर फिर जो डिवीजन, फिर यहाँ पर RC नेटवर्क है, तो यहाँ पर फिर जंक्शन है. तो लेट करंट I4 फ्लो थ्रो द थर्ड कैपेसिटर C3 having value C from current I3. So current I3 is distributed in two parts. One part I4 in one part I4 is supplied to the capacitor number 3, that is C3, which is also equal to C. And the remaining part of current, that is from I3 current में से I4 चला गया third capacitor में, तो remaining current कितना हो जाएगा, I3 minus I4, वह flow करेगा किससे, वह pass करेगा third resistor से, R3 से, जिसका की resistance भी R ही है, क्योंकि all three resistors का resistance same है. तो ये current कितना हो गया, अब R3 से होकर जो current होगा I3 minus I4. Now using Kirchhoff voltage rule, that is Kirchhoff second rule, in all three sections, one, that is first RC network, in the second loop, that is in second RC network, and in the third loop, that is in third RC network. Now using Kirchhoff's second rule or Kirchhoff voltage rule, KVL, in closed loop 1, so using KVL, that is Kirchhoff voltage rule, which is Kirchhoff's second rule, in all three closed loops, in all three closed loops, closed loops, first of all in first loop using Kirchhoff voltage rule, that is loop number 1, Kirchhoff voltage rule is total potential difference in a closed circuit or in a closed network is 0. First of all, current flow, we have already designated the parts of the resistors
in all three loops. So using current, using voltage, using Kirchhoff voltage rule in say loop 1, we have I1 minus I2 into R, that is potential difference across the resistor R1. So I1, R1 is equal to R. So I1 minus I2 into R. प्लस अब करंट कैपेसिटर सी वन से कितना करंट है आई टू और पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस क्या होगा ऑपरेटर जे का यूज किया जाएगा वन बाई सी ओमेगा तो जे बाई सी ओमेगा तो आई टू इंटू जे बाई सी ओमेगा दैट इज जे बाई सी ओमेगा दैट इज आई टू करंट इंटू रेजिस्टेंस तो कैपेसिटर में क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वन बाई सी ओमेगा और यहाँ कॉम्प्लेक्स है तो ऑपरेटर जे का यूज किया जाएगा तो जे बाई सी ओमेगा माइनस अब इसमें मतलब आर टू रजिस्टर से होकर के जिसका रजिस्टर आर है उसमें करंट कितना है आई टू माइनस आई थ्री और करंट का जो डायरेक्शन है और रजिस्टर का जो पाथ है दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा निगेटिव होगा सो माइनस आई टू माइनस आई थ्री मल्टीप्लाइड बाई आर अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ थ्री ब्रांचेज हैं यहाँ पर दो रजिस्टर्स है और आर आर वन आर टू जिसका वैल्यू आर वन इजकल टू आर टू इजकल टू आर है और एक कैपेसिटर है इस लूप वन में तो तीनों के लिए तीनों के क्रॉस मतलब दो रजिस्टर्स और एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और तीनों का सम कितना होगा जीरो होगा दैट इज इक्वल टू जीरो और इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं आई वन आर और माइनस आई टू आर और यहाँ पर फिर माइनस आई टू आर तो दो टर्म हो गया आई टू आर का निगेटिव तो माइनस टू आई टू आर होगा और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस जे ओमेगा आई टू यहाँ भी थर्ड टर्म भी है तो माइनस आई टू टू आर माइनस जे बाई सी ओमेगा और तब बच जाएगा यहाँ टर्म कौन ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर का टर्म आई थ्री है तो प्लस आई थ्री आर इजकल टू जीरो प्लस आई थ्री आर को आर एच एस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो देयर फोर अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे I1 वन इंटू आर माइनस आई टू आर माइनस आई टू आर टू आई टू आर तो माइनस टू आई टू कॉमन ये माइनस आई टू कॉमन ले लिया जाए तो टू आर हो गया माइनस टू आर इंटू आई टू ब्रैकेट के अंदर टू आर और यहाँ माइनस प्लस ये ओमेगा है तो अंदर में इसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाए तो यहाँ पर माइनस रखना होगा आगे बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जे अपॉन सी ओमेगा और माइनस माइनस प्लस आई थ्री अपॉन आई थ्री इंटू आर इजकल टू जीरो देयर फोर वी हैव आई वन आर अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को आर एच एस में कर दिया जाए तो आई वन आर इजकल टू आई टू टू आर माइनस जे अपॉन सी ओमेगा माइनस आई थ्री आर आई वन आर इजकल टू सेकेंड एंड थर्ड टर्म को आर एच एस में करने पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो आर एच एस में जीरो है किरचॉफ सेकंड रूल से किरचॉफ वोल्टेज रूल से तो आई वन आर इजकल टू आई टू टू आर माइनस जे बाई सी ओमेगा माइनस आई थ्री आर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ किरचॉफ का दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल के वी एल इन लूप नंबर वन नाउ सिमिलरली वी कैन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल किरचॉफ वोल्टेज रूल्स इन लूप नंबर टू एंड लूप नंबर थ्री वी कैन ऑब्टेन फर्दर टू इक्वेशंस एज आई टू आर नाउ फॉर सिमिलरली इन क्लोज लूप इन द क्लोज लूप टू यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल वी कैन ऑब्टेन आई वन आर के जगह आई टू आर हो जाएगा फिर उसी ढंग से सिंप्लीफाई वोल्टेज क्लोज लूप टू में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप टू इज ऑल्सो जीरो तो जैसे हमने क्लोज लूप वन के लिए अप्लाई किया कि जो वोल्टेज रूल और उससे ऑब्टेन किया तो उसी ढंग से लूप टू के लिए तो सिमिलरली यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल इन द क्लोज लूप टू वी कैन ऑब्टेन अब डायरेक्ट यहाँ पर हम उसका रिजल्ट लिखते हैं आई टू आर इक्वल्स टू आई थ्री टू आर माइनस जे अपॉन सी ओमेगा यहाँ ऑपरेटर जे है जिसका वैल्यू रूट अंडर माइनस वन होता है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए यूज किया जाता है ऑपरेटर जे का यूज
और माइनस आई टू आर इजकल टू आई थ्री टू आर माइनस जे वाई सी ओमेगा माइनस आई फोर आर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. एंड इन द थर्ड लूप विच इज द लास्ट लूप दैट इज इन द लास्ट आर सी नेटवर्क दैट इज आर थ्री सी थ्री एंड दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड टू इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. सो एंड फाइनली इन द क्लोज लूप नंबर थ्री वी हैव I through in place of I two R we have to write I three R is equal to I four two R minus J upon C omega and this is equation number three. Further कोई loop नहीं है, further कोई current I five I four तक ही last current है जो कि transistor के base मतलब transistor के base में base को supply होगा. ट्रांजिस्टर के बेस में तो हमने शुरू में ही यूज लिखा कि आई वन करेंट कहाँ से मिला, कलेक्टर से मिला माने ट्रांजिस्टर के आउटपुट से कलेक्टर से मिला और आई फोर जो करंट है वह ट्रांजिस्टर के बेस को प्रोवाइड होगा. अब दोनों के बीच में हम रिलेशन अब ऑब्टेन कर सकते हैं आई फोर और आई वन के बीच में, लेकिन उसके लिए हमें आई टू का वैल्यू ऑब्टेन करना होगा इक्वेशन नंबर टू से आई टू का वैल्यू. तो फ्रॉम इक्वेशन टू वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ आई टू और उस आई टू के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखेंगे तो आई वन और आई फोर के बीच में रिलेशन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कैलकुलेशन के बाद. तो फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव आई टू इक्वल्स टू आई थ्री टू आर माइनस जे अपॉन सी ओमेगा अपॉन आर, आर से डिवाइड करना होगा इस टर्म में भी, माइनस आई फोर आर फिर आर से डिवाइड करना होगा आई टू ऑब्टेन करने के लिए दोनों साइड्स में इक्वेशन टू के दोनों साइड्स में आर से डिवाइड कर दें तो आई फोर बाई आर बाई ए आर डेट इज आई फोर, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर दें जो इक्वेशन वन हम लोग शुरू में ऑब्टेन किए थे. इक्वेशन वन हमने ऑब्टेन किया था आई वन आर इजकल टू आई टू टू आर माइनस जे ओमेगा माइनस आई थ्री आर, तो हमें रिजल्ट आई फोर और आई मतलब आई फोर और आई आई वन के बीच में रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा जिस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई टू इन इक्वेशन वन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई टू जो कि इक्वेशन फोर हमने सपोज किया है वैल्यू ऑफ आई टू फ्रॉम वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ आई टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड इट इज टेकन एज इक्वेशन नंबर फोर. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई टू इन इक्वेशन वन वी कैन ऑब्टेन जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं उसमें सिंप्लीफाई करके. तो ऐसे आई वन आर क्या था इक्वेशन नंबर वन आई वन आर इजकल टू आई टू टू आर माइनस जे ओ बाई सी ओमेगा माइनस आई थ्री आर, क्या था आई वन आर इजकल टू आई टू, अब आई टू की जगह क्या लिखेंगे आई थ्री अपॉन आर टू आर माइनस जे अपॉन सी ओमेगा, ये आई टू का वैल्यू था. और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था आई टू बाहर था ब्रैकेट के तो उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से आई थ्री अपॉन आर टू आर माइनस जे बाई सी ओमेगा माइनस एक टर्म और है इसमें आई फोर. अब उसके अंदर जो ब्रैकेट का टर्म था ये तो आई टू का वैल्यू हो गया, अब अंदर उसके आई टू के बाद ब्रैकेट का टर्म था क्या था टू आर माइनस जे बाई सी ओमेगा टू आर माइनस जे अपॉन सी ओमेगा माइनस एक और टर्म था जो टर्म क्या था आई थ्री आर माइनस आई थ्री आर. अब फिर यहाँ इसमें इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फाइव अब यहाँ पर इक्वेशन फाइव में आई थ्री का वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वेशन कहाँ से इक्वेशन नंबर थ्री से आई थ्री आर इजकल टू आई फोर टू आर माइनस जे बाई सी ओमेगा
तो I3 का वैल्यू यहाँ से ऑप्टेन कर इक्वेशन 3 से इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, तो हमें सीधे तब कौन सा टर्म बचेगा, यहाँ I3 R है, यहाँ पर भी I3 है फर्स्ट टर्म में भी, तो I3 अब किसके टर्म में आ जाएगा, I4 के टर्म में आ जाएगा। तो एक स्टेप और हम ऑप्टेन कर सकते हैं एक स्टेप में, फर्दर स्टेप में I3 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में जो हमारा आया है रिलेशन I1R = I3/R, फर्स्ट टर्म में भी I3 है और लास्ट टर्म में भी I3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 I3 = I3, अब R से दोनों साइड में डिवाइड कर दें, तो I3 = I3/R/R, दैट इज I3 = I4, आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई आर वी गेट I3 = I4 2R - J/C ओमेगा, और इसमें भी आर से डिवाइड करना है तो I4/R हो गया, तो I3 का वैल्यू आ गया I4/R 2R - J/C ओमेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन 6 से जो I3 का वैल्यू आया उसको हम पुट करेंगे कहाँ, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट टर्म में, मैंने इक्वेशन 5 का जो फर्स्ट टर्म है I3/R 2R - J ओमेगा, और फिर लास्ट टर्म में I3R है, तो यहाँ पर भी I3 का वैल्यू पुट करेंगे, और फर्दर सिंप्लीफाई करके हम I4 और I1 में रिलेशन ऑप्टेन कर सकते हैं। तो यूजिंग 3 इन इक्वेशन 5, दैट इज द वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I3, तो यूजिंग नाउ राइट डाउन यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन ऑप्टेन, अब जो हम लोग ऑप्टेन करेंगे उस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3-4 स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के बाद उसे ऑप्टेन किया जा सकता है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो I4 और I1 के बीच में अब डायरेक्ट रिजल्ट मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, सो वी गेट I4/I1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में I1R का टर्म है और I3 भी I4 के टर्म में आ जाएगा, सेकेंड टर्म में I4 है ही और थर्ड टर्म में भी I3 का वैल्यू I4 के टर्म में आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट होगा I4/I1 सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, RQ आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर में क्या होगा एक टर्म केवल RQ, न्यूमरेटर में RQ - J × 6R² है ना, 6R² / C ओमेगा और ओमेगा सी माइनस, दो टर्म और होगा इसमें 5R, ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन 3-4 स्टेप में करने के बाद 5R / ω² C² और एक और लास्ट टर्म भी होगा जो प्लस क्यू वाला टर्म होगा J / C ω C Q ω Q, तो ये रिलेशन हमारा फाइनल आ गया किसके बीच में, I4 और I1 के बीच में। तो I1 क्या है, इनपुट करंट है ऑब्टेन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड I4 इज द करंट विच इज सप्लाइड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, सो वी हैव ऑब्टेन दिस रिलेशन, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 7 I4/I1। अब फॉर ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन I4 एंड I1, I4 और I1 के बीच कितना होगा फेज शिफ्ट, तो अब I4 जो है वह चूँकि थर्ड आर सी सेक्शन या थर्ड आर सी नेटवर्क R3C3 बेस से कनेक्टेड है, तो और R1C1 मतलब ट्रांजिस्टर से मिला था, आउटपुट से मिला था, कलेक्टर के आउटपुट से फर्स्ट RC नेटवर्क को R1C1 को करंट मिला है कितना I1, तो ईच नेटवर्क RC नेटवर्क कितना फेज चेंज करेगा वोल्टेज का 60 डिग्री का, तो 3 से RC सेक्शन है तो 60 × 3 दैट इज 180 डिग्री, तो फॉर ए फेज शिफ्ट ऑफ I1 और I4 के बीच में कितना फेज शिफ्ट हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा 180 डिग्री का, और फर्दर 180 डिग्री का फेज चेंज कौन करता है, वह ट्रांजिस्टर करता है, तो टोटल फेज शिफ्ट हो जाता है कितना RC ओसिलेटर में 360 डिग्री का, और जो कि ओसिलेशंस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन भी है, 360 डिग्री का टोटल फेज चेंज होना चाहिए वन कंप्लीट साइकिल में इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में, देयर शुड बी फेज चेंज ऑफ 360 डिग्री दैट इज 2π रेडियन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर द ओसिलेशंस टू बी स्टार्टेड इन RC सर्किट। सो
we have obtained the relation between I4 and I1, that is I4 by I1 is equal to RQ upon RQ minus J 6R square by C omega minus 5R upon omega square C square plus J omega CQ omega Q. This is equation number 7. Now for a phase shift of 180 degree between I4 and I1, the term containing J containing two terms are J 6R square by C omega and J last term J CQ omega Q. So the term containing J should vanish. Matlab for a phase shift of 180 degree, the terms containing in the denominator of equation 7, the term containing J in the denominator of equation 7 should be vanish. तो ये जो टर्म है जे ऑपरेटर का, ये जो टर्म है जिसमें कि जे ऑपरेटर है, जे ओमेगा फोर्थ टर्म है, जे सी ओमेगा बाई सी जे अपॉन सी क्यू ओमेगा क्यू, और सेकेंड टर्म भी जे, उसमें भी ऑपरेटर जे इन्वॉल्व है, तो माइनस जे सिक्स आर स्क्वायर अपॉन सी ओमेगा इजकल टू जीरो टर्म वैनिश होगा. तो दोनों टर्म का डिफरेंस जो है जे अपॉन सी ओमेगा सी क्यू ओमेगा क्यू माइनस जे सिक्स आर स्क्वायर बाई सी ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो राइट डाउन फॉर ए फेज शिफ्ट ऑफ या फेज चेंज ऑफ कितना का 180 डिग्री, फॉर ए फेज शिफ्ट और फेज चेंज और फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड दैट इज बिटवीन I1 एंड I4 क्या होगा, टर्म कंटेनिंग बिटवीन फेज शिफ्ट ऑफ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री बिटवीन I4 एंड I1 द टर्म कंटेनिंग जे शुड वैनिश. सो वी हैव टर्म कंटेनिंग जे कौन हो गया, जे अपॉन सी क्यू ओमेगा क्यू माइनस जे 6R स्क्वायर अपॉन सी ओमेगा, ये वैनिश होना चाहिए तो इसको जीरो कर दें, इक्वल टू जीरो. देयर फोर वी हैव जे बाई, अब साइड चेंज कर लें, बीच में माइनस साइन है, और जे अपॉन सी क्यू ओमेगा क्यू इजकल टू जे 6R स्क्वायर अपॉन सी ओमेगा. जे से जे कैंसिल हो गया, सी ओमेगा और यहाँ सी क्यू ओमेगा क्यू है, तो सी ओमेगा से सी क्यू और ओमेगा क्यू का एक एक पावर कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, अब इसमें क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इससे आ जाएगा, और वी ऑब्टेन 1/C² ओमेगा² वी ऑब्टेन 1 अपॉन सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 6R स्क्वायर. और चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी हमें ऑब्टेन हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर को अब न्यूमरेटर में ले जाएं, तो 1/6R² को डिनोमिनेटर में दोनों को एक्सचेंज कर दें, ओमेगा स्क्वायर और 6R² को, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/C² इंटू 6R² डेट इज 6C² R² ओमेगा स्क्वायर इजकल टू. देयर फोर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन RC ऑसिलेटर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन RC सर्किट इज ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/6C² R² देयर फॉर ओमेगा इजकल टू 1/√6 और सी स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा CR. तो ओमेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन RC ऑसिलेटर विच इज इक्वेशन नंबर 8. ओमेगा इजकल टू 1/√C रूट अंडर C/R. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन RC सर्किट विच इज प्रोड्यूस इन द RC सर्किट. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन प्रोड्यूस्ड इन RC सर्किट RC ऑसिलेटर दैट इज RC ऑसिलेटर इज
n frequency of oscillation, frequency of oscillation, oscillations is n equals to omega upon 2 pi. इस ओमेगा के वैल्यू में 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर 6 सी आर, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विच इज इक्वेशन नंबर 9 विच इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन आरसी ऑसिलेटर्स. अब हम I4 बाई I1 का जो वैल्यू ऑब्टेन किए थे लास्ट इक्वेशन में, तो उसमें चूंकि अब I4 और I1 के बीच 180 डिग्री का फेज शिफ्ट के लिए, फेज चेंज के लिए, चूंकि इमेजनरी टर्म जो था उसको द टर्म कंटेनिंग जे शुड, वो उसको हमने जीरो पुट किया, जीरो किया था. तो अब इक्वेशन जो I4 बाई I1 का जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6 में, तो उसके डिनोमिनेटर में जे टर्म का जो वैल्यू है जीरो, दो टर्म का डिफरेंस जो है जीरो था, तो उसके जगह जीरो कर देंगे तो केवल रियल पार्ट है उसमें, दो टर्म्स रियल टर्म थे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पुटिंग जे बाई ओमेगा क्यूब सी क्यू माइनस जे सिक्स आर स्क्वायर ओमेगा सी इजकल टू जीरो, माने ओनली टेकिंग द रियल पार्ट इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 6 वी हैव वी विल ऑब्टेन I4 बाई I1 इजकल टू R³ upon R³ - 5R upon ω² C² और ओमेगा का वैल्यू यहाँ आया है, तो उस वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा I4 बाई I1 इक्वल्स टू -1/29. तो ओनली टेकिंग रियल टर्म्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 6 दैट इज इन टर्म इन द इक्वेशन कंटेनिंग I4 बाई I1 दैट इज R³ upon R³ - J² ω² - 5R ω² C² + J³ Q, तो उसमें केवल रियल टर्म को ही लिया जाए, इमेजनरी टर्म को तो जीरो करना होगा फेज शिफ्ट I4 I1 के बिच में 180 डिग्री के लिए. ओनली टेकिंग रियल टर्म्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 6 वी गेट I4 बाई I1 और इजकल टू न्यूमरेटर में क्या था R³, और केवल रियल टर्म लेना है, इमेजनरी टर्म जे वाला टर्म को छोड़ देना है, उसको तो जीरो लिए थे दोनों टर्म को, दोनों का डिफरेंस जो है, तो क्या हो जाएगा R³ रियल टर्म है और एक और टर्म क्या था 5R ω² C² ओनली टेकिंग रियल टर्म्स इन आरसीएस ऑफ इक्वेशन 6 टेकिंग ओनली रियल टर्म्स. तो हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया टेकिंग ओनली रियल टर्म्स इन इक्वेशन 6 हमने ऑप्टेन किया I4 बाई I1 R³ upon R³ - 5R ω² C² अब ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं ओमेगा 1/√6 CR, तो 1/ω² क्या हो जाएगा 1/6 C² R² इसमें पुट कर दिया जाए तो वी विल गेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1/√6 CR, तो पुटिंग ओमेगा 1/√6 CR है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कितना 1/6 C² R² इन दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 10 I4 बाई I1 जो अभी हमने अभी इस इक्वेशन को लिखा, लेट इट टू बी इक्वेशन नंबर 10 I4 बाई I1 इजकल टू R³ upon R³ - 5R upon ω² C² तो पुटिंग ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/6 C² R² इन दिस इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर की जगह इतना पुट कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा इन इक्वेशन 10 इक्वेशन 10 बिकम्स I4 अपॉन I1 इक्वल्स टू R³
अपॉन आर क्यूब माइनस फाइव आर अपॉन सी स्क्वायर और वन बाई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इतना है वन बाई सिक्स सी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वन बाई ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाई ओमेगा स्क्वायर सिक्स सी स्क्वायर आर स्क्वायर, सिक्स सी स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर के, और तो बच कितना गया आई फोर बाई आई वन इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन आर क्यू माइनस फाइव आर इंटू सॉरी सिक्स इंटू फाइव थर्टी आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यू माइनस थर्टी आर क्यू। अब आर क्यू न्यूमरेटर में भी कॉमन हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है आर क्यू का, डिनोमिनेटर में आर क्यू को कॉमन ले लिया जाए। नाउ वी हैव आई फोर बाई फाइनल रिजल्ट अब हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं आई फोर बाई आई वन इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन डिनोमिनेटर में आर क्यू कॉमन ले लिया जाए तो वन माइनस थर्टी दैट इज आर क्यू से आर क्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया वन अपॉन वन माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी नाइन देयर फोर वी गेट आई फोर अपॉन आई वन इजकल टू माइनस वन बाई ट्वेंटी नाइन एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट विच इज इक्वेशन नंबर 11। इसका मतलब हो गया कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वह कितना करंट गेन देगा, वह करंट गेन कम से कम एटलीस्ट 29 का होना चाहिए। आई फोर बाई आई वन माइनस वन बाई ट्वेंटी नाइन तो ट्रांजिस्टर मस्ट गिव दैट इज द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मस्ट गिव ए करंट गेन ऑफ एटलीस्ट 29 टू अचीव ऑसिलेशंस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इन लास्ट एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ आरसी ऑसिलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेज ऑफ आरसी ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफॉर्मर्स और इंडक्टर्स इन इट्स सर्किट। जैसा कि हमने देखा आरसी ऑसिलेटर के सर्किट में न कोई ट्रांसफार्मर था न कोई इंडक्टर था, केवल ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड थ्री आरसी सेक्शंस एंड आरसी नेटवर्क्स, उसमें ट्रांसफार्मर एंड इंडक्टर्स आरसी सर्किट में या आरसी ऑसिलेटर के सर्किट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेरिट और फर्स्ट एडवांटेज ऑफ आरसी ऑसिलेटर। सेकेंड एडवांटेज ऑफ आरसी ऑसिलेटर इज इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरी लो फ्रीक्वेंसीज। विद द हेल्प ऑफ आरसी ऑसिलेटर वी कैन ऑब्टेन ऑसिलेशंस ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, दिस इज अ सेकेंड एडवांटेज। बहुत कम फ्रीक्वेंसीज के ऑसिलेशंस को भी ऑब्टेन किया जा सकता है आरसी ऑसिलेटर से, दिस इज द सेकेंड मेरिट और एडवांटेज ऑफ आरसी ऑसिलेटर। एंड थर्ड एडवांटेज इज दिस सर्किट मीन्स द सर्किट ऑफ आरसी ऑसिलेटर प्रोवाइड्स गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी आरसी ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी का स्टेबिलिटी भी अच्छा होता है। तो थर्ड एडवांटेज ऑफ आरसी ऑसिलेटर इज इट प्रोवाइड्स गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। नाउ सम डिसएडवांटेजेज और डिमेरिट्स ऑफ आरसी ऑसिलेटर्स। नंबर वन इज इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी आरसी सर्किट टू स्टार्ट ऑसिलेशंस बिकॉज फीडबैक ऑब्टेंड इन आरसी ऑसिलेटर इज जनरली स्मॉल। आरसी ऑसिलेटर में जो जनरली हम लोग फीडबैक ऑब्टेंड करते हैं वह काफ़ी स्मॉल होता है और इसलिए ऑसिलेशन का मतलब आरसी ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस का स्टार्ट होना काफ़ी वह थोड़ा डिफिकल्ट है। दिस इज द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ आरसी ऑसिलेटर।
And second demerit is, it gives a small output. That is, it gives a small output voltage. RC oscillator gives a small output. This is the another important demerit of disadvantage of RC oscillator. Now, this video is concluded. यह वीडियो समाप्त होता है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तथा जनरल कोर्सेज के लिए। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तथा सब्सिडरी के फिजिक्स जनरल के फिजिक्स के पेपर्स में आरसी ऑसिलेटर्स को निश्चित रूप से पूछा जाता है। In the next video, we will discuss another important, very important topic in solid state electronics for BSc Part 3 Physics. And that topic will be push-pull amplifier, class B push-pull amplifier. Another very, very important topic. But that is class B push-pull amplifier is not an oscillator, it is an amplifier. Although an oscillator is also an amplifier which produces its own input. Oscillators भी वैसे amplifier ही है जो कि अपना input खुद ही produce करता है। तो next video में हम लोग another important टॉपिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे, पुशपुल एम्पलीफायर। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स के यूनिवर्सिटीज फिजिक्स के पेपर्स में यूजुअली पूछा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।